गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वाइट वाटर इन रिजॉर्ट इन मैक्लोडगंज एंड प्लेसेस नियर बाय विच यू कैन विजिट। यहाँ से हमारा होटल के नीचे जाने का रास्ता है ये बोर्ड, दिस इज़ आवर स्टे वाइट वाटर इन। एक कंसर्न पॉइंट बस ये है कि कार की पार्किंग यहाँ पे नहीं है, तो आपको कार ऐसे लगानी पड़ती है जैसे आपको दिखी रही होगी, वो रही अपनी गाड़ी। तो चलो अब आपको रिजॉर्ट के टूर पे लेके चलता हूँ जहाँ हम रुके हैं। सीढ़ियाँ उतरते हुए तो आपको पता नहीं चलेगा, बट सीढ़ियाँ चढ़ते हुए आपको ज़रूर पता चलेगा कि आप कितनी सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ के पहुँचे हो। दिस इज़ द मेन एंट्रेंस एरिया फॉर वाइट वाटर इन। सामने जो आपको गेट है उसके अंदर जाते ही लेफ्ट हैंड पर रिसेप्शन है एंड आगे रूम स्टार्ट हो जाते हैं। हेलो भैया, कैसे हैं? बस दिखता है। ये सारे भी डिलाइट रूम या कपल फ्रेंडली रूम्स ही हैं जो इस फ्लोर पे सारे के सारे एक साथ बने हुए हैं। सो दिस वाज आवर रूम जो हमने वाइट वाटर में बुक किया था एंड इट वाज अ वेरी स्पेशियस रूम फर्स्ट ऑफ ऑल एंड वेरी नीट एंड क्लीन वॉशरूम। मतलब मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है अगर मैं कहीं भी रूम बुक करता हूँ तो। वेरी वेल डन, साइज़ भी अच्छा था वॉशरूम का, रूम का साइज़ भी काफ़ी अच्छा था, बेसिक अम्यूनिटीज़ सारी चीज़ें दे रखी थी इन्होंने अच्छे से। इस प्रॉपर्टी की लोकेशन मुझे बहुत अच्छी लगी इन टर्म्स ऑफ द व्यू जो रूम से मिलता है, प्लस जो इसकी वैसे लोकेशन है, बिकॉज ये त्रायुन ट्रैक और भागसोनाग वाटरफॉल दोनों के पास है, लगभग 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पर। वाटरफॉल की ट्रैक की तरफ जाते हुए रास्ते में ही आपको भागसोनाग टेम्पल भी मिलता है एंड मॉल रोड की साइड जब आप जाते हो दूसरे एंड पे तो मॉल रोड 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पे है एंड उससे थोड़ा सा और आगे अगर आप 1 किलोमीटर चलते हो तो आपको नामग्याल मॉनेस्ट्री एंड दलाई लामा टेम्पल भी वहीं मिलता है। सो एवरीथिंग इज़ एट अ वॉकिंग डिस्टेंस फ्रॉम दिस प्लेस एंड दिस इज़ द व्यू फ्रॉम द बैल्कनी विच यू गेट एट वाइट वाटर इन एंड आई थिंक बहुत अच्छा व्यू था यार, मतलब दिस वॉज एब्सोल्युटली वर्थ इट। इन्होंने यहाँ पे अलग अलग तरह के रूम्स भी बना रखे हैं, जैसे कि ये कपल रूम है, ऊपर वाले फ्लोर पर डॉर्मेट्रीज हैं, डॉर्मेट्रीज भी अलग अलग हैं, मेल के लिए अलग, फीमेल के लिए अलग, मिक्स भी हैं, तो आपको आइडिया मिल जाएगा प्राइस का। प्राइस वेरीज एज पर द सीज़न, ये आपको पता ही होगा। एंड जो आपको पीछे फोटो दिख रही है, दिस इज़ द व्यू विच आई गॉट फ्रॉम दिस रूम व्हेन आई वाज स्टेइंग हेयर एंड रेस्टोरेंट इज़ ऑल्सो एट अ वेरी रीजनेबल प्राइस। तो अब आपको कुछ नियर बाई प्लेसेस दिखाता हूँ, जैसे ये सबसे पहला है जो भागसोनाग टेम्पल है, ये सबसे पहले आता है, सबसे नियरेस्ट है इस रिजॉर्ट के। इससे आगे जब हम चलते हैं तो आता है भागसोनाग वाटरफॉल का ट्रैक, वो ट्रैक करके आप भागसोनाग वाटरफॉल तक जा सकते हो। उस वाटरफॉल पे आता है शिवा कैफ़े एंड उससे भी जब आप आगे जाते हो तो त्रायुन की ट्रैक यहाँ से स्टार्ट होती है। ये वाली साइड जो है त्रायुन ट्रैक के लिए थोड़ी सी स्टीप एंड टफ मानी जाती है, सो अगर आप यहाँ से जाना चाहते हो एक्स्ट्रा टाइम लेके जाना था। एंड दिस इज़ हाउ द भागसोनाग वाटरफॉल लुक्स एट दिस प्लेस। यहाँ जाने के लिए मैं बोलूँगा सुबह जाना भाई, जब बिल्कुल भीड़ ना हो तब आप इस जगह को बहुत अच्छे से इन्जॉय कर पाओगे अपने फैमिली या फ्रेंड्स के साथ। यहाँ पे खाने पीने के भी आपको काफ़ी सारे अच्छे ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो अभी हम वीनस कैफ़े पर रुके हैं, हमने कहा आज का ब्रेकफास्ट हमारा यहीं पर है। तो चलो अब आपको त्रायुन की ट्रैक पे लेके चलता हूँ भागसोनाग की साइड से, आप खुद देखो यहाँ के रास्ते कैसे हैं। इस साइड से आपको टॉप तक जाने में कम से कम 7 घंटे लगेंगे, तो आप प्लीज़ अगर इधर से आ रहे हो उतना टाइम लेके चलना अपने साथ। दिस इज़ दी त्रायुन बेस कैंप जो 7 किलोमीटर्स कवर करने के बाद आता है, यहाँ से 3 किलोमीटर की ट्रैक और बचती है टू द टॉप। जगह बहुत अच्छी है, आप यहाँ पे भी अपना स्टे प्लान कर सकते हो, एमिनिटी सारी हैं एंड यहाँ पे वॉशरूम भी आपको मिल जाएंगे। टेंट्स आपको अराउंड 1000 से 1500 के रेट पे मिल जाएंगे यहाँ पे। वापस आकर के हम रुके हैं एट शिवा कैफे, दिखाता हूँ जगह कैसी है। मैंने एक अलग वीडियो भी बना रखी है जिसका मैं ऊपर आपको लिंक दे दे रहा हूँ, आप चाहो तो पूरी वीडियो यहाँ देख सकते हो। इस वाली वीडियो के लिए इतना ही, अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया हो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल।